दोस्तों, कुछ लोगों ने मेरी पिछली वीडियो जो मैंने मोहम्मद शामी के ऊपर बनाई थी उसको थोड़ा गलत तरीके से ले लिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं मोहम्मद शामी के खिलाफ बोल रहा हूँ और मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जाइए एक बार उस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने पर आपको मालूम चलेगा कि मैंने वो वीडियो एक सरकास्टिक वे में बनाई थी, कटाक्ष करते हुए बनाई थी उन लोगों के ऊपर जो मोहम्मद शामी को गद्दार बता रहे थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान मैच में। दोस्तों, हो सकता है मैं अपनी बात सही तरीके से आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाया हूं, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट मुसलमान भाइयों के देखे, वो लोग मुझे गालियां दे रहे थे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने थंबनेल देख लिया और मेरी शुरुआत की वीडियो देख ली। लेकिन मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जाएं मेरी उस वीडियो को पूरा देखें। मैंने उस वीडियो में सरकाज़म किया है, कटाक्ष किया है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को बुरी लगी हो मेरी बात तो मैं उनको सॉरी बोलता हूँ। मेरा इंटेंशन बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा आप लोगों को लग रहा है। कटाक्ष हमेशा जब होता है तो उसके शब्द का मतलब कुछ और होता है और भावना कुछ और होती है, तो आप लोगों को उसकी भावना समझनी चाहिए। फिर भी किसी को बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा क्षमा चाहता हूँ, इस बात के लिए सॉरी बोलता हूँ। मोहम्मद शामी हमारे देश का एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, सच्चा देशभक्त है, और जो लोग उसे गद्दार बोल रहे हैं वो बहुत ही गंदी मानसिकता के लोग हैं। थैंक यू।